जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद और आभार कि 3 महीने में हमारा जो चैनल है हम लोगों का, उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आप लोगों का प्रेम ही है कि हमारा चैनल बढ़ता जा रहा है, और भगवान करे हम ऐसे ही और जुड़ते जाएं ताकि साधकों की एक संख्या, एक यूनियन हम लोगों की चलती रहे, जो एक दूसरे की मदद करे साधनाओं में। आज का जो विषय है वो भैरव जी से रिलेटेड है, काल भैरव का एक मंत्र है। अभी क्या है कि देखो, साधकों के पास 2-3 तरह के मेन केसेस आते हैं। क्या क्या केसेस आते हैं? एक तो होता है पारिवारिक झंझट का केस, ठीक है। तो पारिवारिक झंझट में आप कोशिश करो कि आप मोहिनी कर दो, ठीक है, वशीकरण कर दो, जिससे कि एक पॉजिटिव आउटकम निकले। ये विच्छेदन, उच्छेदन, उच्चाटन, ये सब कोशिश करना है नहीं करने का। दूसरा जो बहुत जनरल केस आता है वो आता है व्यापार का, कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अब मेरा व्यापार खराब चल रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो व्यापार बंधन होता है या फिर किसी का ग्रह नक्षत्र जब खराब होता है, तो उसके उसका एक उपाय से काम नहीं होता। देखो, कोई भी साधक जब तक किसी व्यापार के प्रतिष्ठान में पैर ना रख दे और उसको ये आभास ना हो कि वहां की एनर्जी कैसी है, तब तक 100% उसका इलाज होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप अपने स्थान पर बैठ करके किसी के व्यापार बंधन को खोल रहे हो और उसी के साथ वो व्यक्ति अपने व्यापार स्थान पर बैठ करके कुछ साधनाएं करे, तो दोनों का मिला जुला असर ये होगा कि अगर उसके व्यापार पे कोई भी बंधन हो, कुदृष्टि हो, या किसी भी कारण से अगर उसका व्यापार ना चल रहा हो, तो वो चलने लगता है, ठीक। अभी क्या है कि ऐसे में बहुत सारी साधनाएं होती हैं। लक्ष्मी की 2-3 साधनाएं हैं जिससे बंधन खुलता है, हनुमान वीर का साधना है जिससे कि बंधन खुलता है। लेकिन जहां भी जादू चले, ठीक है, जहां पर तंत्र का प्रयोग हुआ हो, ऐसा आभास हो, वहां पर उस बंधन को खोलने के लिए भैरव की ही साधना करनी चाहिए, ठीक। भैरव की साधना में क्या करनी चाहिए? जो साधकों को भैरव की साधना करनी चाहिए वो उनको एक बलि दें, और जो भैरव का पूजा होता है जिस मंत्र से आपने सिद्ध किया है, उस मंत्र से संकल्प लेकर के उस व्यापार बंधन को तोड़ना और उसके व्यापार को अच्छे चलाने का संकल्प करेंगे, हवन करेंगे कम से कम 3 बार। जो व्यक्ति पीड़ित है व्यापार बंध से, जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, उसको एक तो व्यापार बंध तोड़ने का उपाय यह होता है कि आप वराह भैरव धारण करो, ठीक है। उसको धारण करने से काला जादू का जो भी असर होता है वो समाप्त हो जाता है, आप जहां बैठते हो। दूसरा, भैरव जी का अभिषेक करवाओ। भैरव जी का 5 वस्तुओं से अभिषेक होता है, और जो तांत्रिक भैरव मंदिर होंगे वहीं पे ये अभिषेक होगा। बहुत सारे मंदिरों में भैरव अभिषेक नहीं होता है, बहुत सारे जहाँ पे ब्राह्मण बैठते हैं वहां पे भैरव अभिषेक का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन जो अघोरियों द्वारा संचालित होगा मंदिर, उनको पता है कि भैरव का अभिषेक कैसे करते हैं। भैरव का अभिषेक बहुत गुप्त होता है, इसे लोगों को नहीं देखने दिया जाता। बाद में आप भले साफ सुफ होने के बाद भैरव का दर्शन कर लें, लेकिन भैरव का अभिषेक करके, उस समय महिलाएं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उस पूरे एरिया में नहीं होनी चाहिए, और भैरव का अभिषेक करके उनको भोग लगवाएं कम से कम 3 रविवार, जिनके साथ ऐसा हो रहा हो। दूसरा, मैंने बताया कि उनको एक वराह भैरव धारण करवाइए। वराह दंत में भैरव को बैठाया जाता है और उसके बाद वो धारण करवाइए, चांदी में या सोने में, जैसा अगला सक्षम हो। इसके अलावा कुछ मंत्र हैं जो कि उस व्यापारी को खुद से करने होंगे, वो आप नहीं कर सकते। आप अपने जगह पे तो जो तंत्र मंत्र करो करो, लेकिन जिस व्यापारी के साथ ऐसा हो रहा है उनको बोलो कि कुछ गुलाल, गोरोचन, चार छबिलियों और कपूर, ये 4 चीजें खरीद के रख ले। क्या क्या? गुलाल,
गोरोचन, छार छबीली और कपूर। ठीक, जब भी आपको तंत्र में संख्या बताया जाता है तो संख्या बराबर में होना चाहिए। जब आप तीन या चार आइटम मिलाते हैं, जब तक आपको नहीं बोला जाए कि इसका रेशियो ये होगा, तो आपको ये समझना है कि सारी चीजें बराबर मात्रा में हो। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही मैं एक भैरव हवन कर रहा था किसी के लिए, तो उनको मैंने बोला तिल लौंग और गुगुल मिला करके लगेगा, मधु घी और कारण मिला करके लगेगा। अब उन्होंने क्या किया कि 2 किलो तिल ले आए, लौंग 50 रुपए का और गुगुल 1 पैकेट। हाँ, क्यों? क्योंकि सामग्री तो ढेर हो गई और तीनों चीज मिल भी गया। ऐसा नहीं करने का, सब मिला के बराबर मात्रा में रखने का, चाहे किसी का दाम कुछ हो किसी का दाम कुछ हो। तो गुलाल, गोरोचन, छार छबिली और कपूर ये रख मतलब ये बराबर में मिला लें। ठीक है, और उसके बाद जैसे दुकान खोले, ठीक, जो मंत्र मैं अभी बताऊंगा उसको पढ़ते हुए दुकान के सामने उनको गिराना है। और जब 21 गिनती तक, मतलब 21 बार करमाला पे 21 जाप करके इस मंत्र को पढ़ते जाना है और उसको अपने गेट पे गिराना है, जो आपके व्यापार का गेट हो। ठीक है, व्यापार के गेट पे गिराने से क्या होता है कि अगर बाहर या अंदर किसी ने कुछ गाड़ा होगा तो उसका नाश हो जाता है, और साथ में ही आपके तरफ ग्राहक आकर्षित होंगे इस मंत्र से। ठीक है, तो मंत्र क्या है? मंत्र है, अब लिख के मत मांगना, सुनो ठीक से। ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। फिर सुनो, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार पढ़ेंगे और जो मिश्रण बताया उसको बराबर में आप चूर के मिला ले, और उसके बाद जैसे अपना आप व्यापार खोलते हैं, सुबह खोलते हैं, शाम खोलते हैं, जब भी खोलते हैं, तो उसके सामने, मुझे पता है ऐसा भी लोगों के बोलेंगे, अरे मेरा तो दुकान नहीं है, मेरा तो ठेला है, उसमें किधर डालूं? सामने जिधर ग्राहक खड़ा होगा उधर ही, ठीक है, उधर उसको जमीन पे गिरा देना है 21 बार पढ़ के। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा रोज संध्या के समय लोमान लीजिएगा। ठीक है, लोमान को लोमान जला करके और उसके बाद सेंटर रूम के सेंटर से शुरू कीजिएगा, एक कोने पे चले जाइएगा लोमान लेके और चारों तरफ दीवार के घूमिएगा। अगर आपके पास घंटी है तो दूसरे हाथ से घंटी बजाते हुए चारों तरफ आप घूमिएगा। मंत्र रहेगा भंग भंग भैरवाय फट, और इसके साथ जब आप चारों तरफ घूम लेंगे अपने दुकान के, तो उस लोमान को गेट के बाहर रखिएगा, ठीक बाहर, अंदर लोमान जला के नहीं रखते हैं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए को बहुत ज्ञान दे दिया। इन सब का आप लोग अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो कोई भी अगर आपके पास आएगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके व्यापार में बंदिश हो, या वो पहले अच्छा करता था अब अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों का व्यापार फिर से चलने लगेगा। खुद के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हो इन सब चीज़ों का, लेकिन साथ में साधकों को चाहिए कि कुछ और जो और भी मैंने वीडियोस में जो टिप्स बताए हैं उसको आप लोग फॉलो करिएगा, साधना करिएगा, हवन करिएगा, तो फिर व्यापार बंद पूरे तरीके से खुल जाता है। कोशिश करना है कि जहाँ का व्यापार बंद करना है वहाँ जा करके एक बार भैरव हवन कर दीजिए। व्यापारिक स्थान पर जब भैरव हवन आप करेंगे तो सूखे नारियल में आप डालेंगे मधु घी और कारण मतलब शराब देसी मतलब महुए का बराबर में, और उसके बाद उससे हवन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीन पे हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं पूरे विश्व में कहीं भी। इसके अलावा जिसको मुझसे बात करनी है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्या था, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर ही मुझसे बात कीजिए। मैं व्हाट्सएप पे आज के बाद रिप्लाई नहीं दूंगा, किसी को अगर बहुत अर्जेंसी होगी तो मैं उससे बात करूंगा व्हाट्सएप पे। आप सभी को अब आदेश आदेश, बाबा भैरव आप लोगों पे कृपा बरसाए रखें। अलख आदेश।